अस्सलाम वालेकुम। आज आपको यहनी पुलाव बनाना सिखा रहे हैं, जिसके लिए सबसे पहले यहनी तैयार करेंगे। यहनी बनाने के लिए बकरे का गोश्त लिया है 1 किलो, नमक 3 चाय के चम्मच, सौंफ 1 खाने का चम्मच, साबुत ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, साबुत धनिया 2 खाने के चम्मच, 2 से 3 तेज़पात, आधी चाय का चम्मच लौंग, 2 से 3 बड़ी इलायची, 4 से 5 सब्ज़ इलायची, 1 अदद बादियान का फूल, 2 से 3 इंच दालचीनी के टुकड़े, 1 चाय का चम्मच साबुत काली मिर्चें, 8 से 10 लहसुन के जवे, 2 इंच अदरक के टुकड़े, 1 अदद कटी हुई प्याज और पानी चाहिए 8 से 10 गिलास। यहनी बनाने के लिए एक पतीली में हम गोश्त, सौंफ, ज़ीरा, धनिया, साबुत मसाले, नमक, लहसुन अदरक और प्याज और इसमें पानी डाल देंगे। हमने 10 गिलास पानी के डाल दिए हैं, आप अपने हिसाब से पानी डाल लें जितनी आपको यहनी चाहिए। अब हम इसको 5 मिनट तक तेज़ आंच पर पकाएंगे, फिर इसकी आंच को मीडियम पे कर देंगे और मज़ीद 1 घंटे तक पका लेंगे या उस वक़्त तक के गोश्त गल जाए। यहनी को हमने 1 घंटे तक कुक कर लिया है, अब हम इससे मटन को निकाल लेंगे। यहनी से मटन निकाल दिया है, अब इस यहनी को छान लेंगे। मटन और यहनी दोनों तैयार हैं, यहनी को हमने छान लिया था, अब हम इन दोनों को साइड पे रख देंगे। मटन पुलाव बनाने के लिए हमने 4 गिलास चावल लिए हैं, इनको 1 घंटे तक पानी में भिगो दिया था और इनका पानी हमने निकाल दिया है। 1 कप दही, 1 अदद स्लाइस में कटी हुई प्याज, 2 चाय के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच गर्म मसाला पाउडर, 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें। पुलाव बनाने के लिए हमने 1 कप ऑयल लिया है, इसमें हम प्याज डाल देंगे। इसको तेज़ आंच पर लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। आंच को मीडियम पे कर देंगे। अब इसमें मटन डालकर 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। मटन की हमने भुनाई कर ली है, अब इसमें हम सब्ज़ मिर्चें और ज़ीरा डाल देंगे और साथ ही दही डालकर इसको भी 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। दही डालकर हमने गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, अब हम इसमें 6 गिलास यहनी डाल देंगे। आप अपने चावलों के हिसाब से यहनी को डाल लें, कुछ चावल ज़्यादा यहनी लेते हैं और कुछ कम। अगर आपके यहनी कम हो तो आप इसमें पानी डाल दें। अब हम इसको तेज़ आंच पर बॉयल आने देंगे। यहनी में बॉयल आ गया है, अब हम इसमें चावल डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से चेक कर लें। तेज़ आंच पर हम पानी को खुश्क कर लेंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि चावलों में पानी या यहनी कितनी जानी चाहिए, तो आप चावल डालकर 1 इंच उसके ऊपर पानी या यहनी डाल दें और इसको पका लें। चावलों का पानी खुश्क हो गया है, अब हम इसमें गर्म मसाला पाउडर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम चावलों को हल्की आंच पर 15 मिनट तक दम पे रख देंगे। पुलाव तैयार है, अब हम इसको निकाल लेंगे। वाइट मटन यहनी पुलाव बिल्कुल तैयार है, आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा आपका मटन पुलाव कैसा बना। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।